हेलो, नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इजी वे में सांभर बनाने की रेसिपी। पहले एक कप राल दाल धोकर भिगा लें आधे घंटे के लिए। तक सब्जियाँ काट कर तैयार कर लें, जैसे कि लौकी, बैंगन, ड्रमस्टिक और दो बड़े साइज का टमाटर काट लें और कुकर को गैस पर चढ़ा दें। इसके बाद कुकर में भीगी हुई दाल, सब्जियां और टमाटर डाल दें। पानी भी डाल दें। अब कुछ मसाले ले लेते हैं, जैसे कि 2 टेबल स्पून सांभर मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सब मसाले कुकर में डाल दें। ढक्कन लगा दें और 2 सीटी मीडियम फ्लेम पर लगाएं। अब हम खट्टेपन के लिए थोड़ा सा पकी हुई इमली ले लेंगे और उसमें 2 कप पानी डालकर हल्का सा उबाल दे देंगे। अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई में 2 बड़ा टेबल स्पून तेल डाल देंगे और गरम होने देंगे। गरम होने के बाद इसमें 1 छोटा टेबल स्पून राई डाल देंगे। अब इसमें 3 से 4 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, 1 बड़े साइज का प्याज कटा हुआ, कुछ कड़ी पत्ता जरूर डालें। अब इसको चला लें। थोड़ा भुनने के बाद हल्दी पाउडर 1 छोटा 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून सांभर मसाला ये डाल दें। अब कुकर खोल लें और उसको थोड़ा सा चला लें और सांभर को तड़के में डाल दें और थोड़ा देर पकने दें, लगभग 1 से 2 मिनट तक। उसको थोड़ा चला लें। अब जो इमली का पानी उबाल के रखे थे उसे एक कटोरी में छान लें और उसे सांभर में डाल दें और मिला लें। अच्छी तरीके से अब गैस को बंद कर दें। इसमें धनिया पत्ती डाल दें टेस्ट के लिए। और जरूर बनाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे, बाय बाय।